चलो लेट्स डिस्कस एमसीक्यूज। आपको कल एक असाइनमेंट भेजी थी, उसमें कोई डाउट है? चलिए, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द रिएक्शन यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बोथ और नन? बोथ द रिएक्शन दे आर यूज, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड वाली भी और ब्रोमाइड वाली भी। ओके, नाउ यू आर गिवन द थ्री एलिमेंट्स पी क्यू एंड आर विच अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंगली। बेटा बस प्लीज, यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड्स। The most reactive and the least reactive elements are, just raise your hands. पहले आपने most reactive बताना है, फिर आपने least reactive बताना। Out of P, Q and R, आपने most reactive and least reactive बताना है। Just raise your hands. बस ये कौन बोल रहा है? सजल, क्यू इज मोस्ट रिएक्टिव एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज हाउ? इन द फर्स्ट रिएक्शन क्यू जो है वो पी को डिस्प्लेस कर रहा है। इन द सेकेंड रिएक्शन क्यू जो है वो आर को भी डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि क्यू जो है वो आर और पी से, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब हमने चेक करना है बाकियों को। थर्ड रिएक्शन में देखो आर और पी, ठीक है, यहाँ पर पी जो है वो आर को भी क्या कर गया है, डिस्प्लेस कर गया है। दैट मीन्स आर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है और क्यू जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ओके, नाउ इन दिस रिएक्शन ये वाली रिएक्शन में आपने बताना है द रिएक्शन शोज द ऑप्शंस आर क्यू इज मोर रिएक्टिव, क्यू इज लेस रिएक्टिव देन आर, क्यू एंड आर आर इक्वली रिएक्टिव और नन। सो क्यू इज मोर रिएक्टिव देन आर। ओके, नेक्स्ट यू आर गिवन फोर स्टेटमेंट्स, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। राइट डाउन, zinc and lead are more reactive elements than copper. Zinc and lead are less reactive than copper. Zinc and copper are more reactive than lead. Copper and lead are more reactive than zinc. तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, zinc and lead are more reactive elements than copper. और ये आपको कहां से पता चला? Who is going to state the reactivity series? सीरीज बोलनी है, काशीनाथ नहीं बोलना। हाँ जी, प्रप्रीत, रिएक्टिविटी सीरीज बोलो बेटा। नहीं, अभी तक लर्न ही नहीं हुई है रिएक्टिविटी सीरीज।
अभी 8 स्टूडेंट्स के बच्चों को बुलाओ ना, वो आपके सामने बोल देंगे। हाँ जी बोलिए बेटा। पोटेशियम, सोडियम, उसने बोलना है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेट हर स्पीक। एल्यूमिनियम, जिंक, कौन सा सी? अखिलेश, अखिलेश स्टैंड अप, रिएक्टिविटी सीरीज बोलो। सामने देख के बोलो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, दिस इज तो आपको फर्स्ट में जो आपने आंसर बोला है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये रहा आपका जेड और ये रहा लेड। पीटी है वो, पीटी प्लैटिनम, पीबी लेड। चलिए टेल मी, एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर इट विल बी यूज्ड बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। लिटमस, टर्मरिक, वेनिला एसेंस, पेटूनिया। ओके, ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? मतलब रट के बैठे हुए हो ऑस्वाल्ड। ओके, अ स्टूडेंट वॉज गिवन 4 अननोन कलरलेस सैंपल्स ए बी सी एंड डी एंड इट वॉज आस्क्ड टू टेस्ट देयर पीएच ऑन द पीएच पेपर। ही ऑब्जर्व द कलर चेंजेस। A gives light green color, I'm repeating the question again, please listen carefully.
A student was given four unknown colorless samples A, B, and C, D, and asked to test their pH with pH paper. He observed the following color changes: light green, dark red, light orange, and dark blue. Out of these, you have to choose the correct option. Write down. Boys, girls, stand up. Correct answer. जिससे पूछा वही बताए प्लीज. कैसे? हाउ लास्ट? पीएच के हिसाब से लास्ट कैसे है? क्या है? सीधा बैठ. डी कैसे है बेटा? एसिडिक है डी सबसे ज्यादा. ध्यान है क्लास में? डार्क ब्लू है. एसिड का डार्क ब्लू होता है. अच्छा उसमें बी का है. हाँ जी बोलो. अच्छा डार्क रेड की पीएच सबसे ज्यादा होगी. सबसे ज्यादा होगी. सात्विक स्टैंड अप. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाई? डार्क ब्लू की पीएच यानी कि ये ज्यादा बेसिक है. मोर बेसिक. लाइट ऑरेंज. स्लाइटली एसिडिक. दिस इज मोर एसिड. न्यूट्रल से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 7 या 8 में. ठीक है तो डेट इज स्लाइटली बेसिक. ये ब्लू है मोर बेसिक का. सेट डाउन. सो डी की पीएच ज्यादा होगी क्योंकि उसका बेसिक करेक्टर ज्यादा है. फिर इसकी बेसिक करेक्टर ज्यादा है तो ए. देन स्लाइटली एसिडिक एंड देन most of the acidic. Write down the next question. Which of the following statement is correct about an aqueous solution of acid and base? Write down the options. Higher the pH, stronger the acid. Higher the pH, stronger the acid. Higher the pH, weaker the acid. Higher the pH, weaker the acid. बाकी options भी सुन लेते हैं. Lower the pH, stronger the base. कौन yes बोल रहा है? लोअर द पीएच वीकर द बेस. योर ऑप्शंस आर नाउ फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड.
फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, लोअर द पीएच, वीकर द बेस. Plaster of Paris is prepared by heating one of the following to a temperature of 100 degree Celsius. Simmer breath, bahar aao. Gypsum ka formula likho. Write down the formula of gypsum. जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना स्ट्रॉन्ग, उतना स्ट्रॉन्गर जो एसिड करेक्टर है वो कम हो जाता है ना. पीएच ज्यादा यानी कि वो बेसिक करेक्टर की तरफ जा रहा है तो वीकर द एसिड. लोअर द पीएच, पीएच कम है तो बेस भी कम होगा ना फिर, क्योंकि बेस की पीएच ज्यादा होती है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन. जिप्सम का फॉर्मूला लिखो. कौन महान बच्चे बोल रहे हैं? सी यू कैल्शियम का है वो, ठीक है. चाहिए चलिए ये बताओ, केस स्टडी क्वेश्चन है. A solution M turns blue litmus red. While another solution N turns red litmus blue. In the above context, answer the questions. M must contain hydronium ion, hydroxyl ion, any positive ion or oxide ion. मुझे नहीं पता जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, why are you not writing? जो मेन मेन पॉइंट्स आप क्यों नहीं लिख रहे हो वो. हाँ जी, एम मस्ट कंटेन, अगर वो ब्लू लिटमस रेड कर रहा है दैट मींस एसिडिक है, और एसिड में हाइड्रोनियम आयन यानी कि एच पॉजिटिव आयन्स होते हैं, दैट विल रिएक्ट विद वाटर टू गिव यू हाइड्रोनियम आयन्स. तो एन में क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन. When M and N are mixed together, one of the product will be acid, base, alkali or salt. Salt. When M and N are mixed together, the other product will be. When a piece of magnesium was put into a solution of M. M for monkey. The gas evolved will be. उसके बाद लिखिए. There is one table and you are having three solutions. The pH value of three solutions they are given. You have to answer the questions. Which solution will have no effect on litmus solution? No effect. तुम क्यों क्यों बोल रहे हो? Sorry.
which solution will liberate carbon dioxide when reacted with sodium carbonate? Why? क्यों पी बेस के साथ बेस की रिएक्शन नहीं होती बेटा एसिडिक और बेस की रिएक्शन होगी तभी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी विच सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज एल्कली एल्कली पी क्यू आर और नन एल्कलीज और बेसिस में क्या डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कलीज एंड बेसिस जस्ट रेज योर हैंड यस दिलप्रीत स्टैंड अप बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेसिस difference between alkalis and bases haan ji idhar se madhav what is the difference between alkalis and base kaise bataoge ओके सो द बेसिस दैट आर एक्चुअली वाटर सॉल्युबल दे आर नोन एज एल्कलीज ओके और जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको सिंपली हम क्या कहते हैं बेसिस कहते हैं सिट डाउन NaOH KOH सारे अपने एग्जांपल्स पढ़ लेनी है एल्कलीज के Okay, a student writes two incomplete chemical reactions. A student writes two incomplete chemical reaction and you have to complete it. कंप्लीट करो फिर मैं आपको फाइनल आंसर बताऊंगी इसका कंप्लीट करो रिएक्शन को ऊपर वाली भी है देयर इज नो ऑप्शन ऑफ P2O5 इसके अलावा मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ फर्स्ट के Silver articles become black
on prolonged exposure to air. This is due to the formation of your options are silver nitride, silver oxide, silver sulfide, sulfide and nitride. Silver sulfide. Krishna, bahar aao. Bahar aao. Hello.